ये जनाब का नाम है टेरी वॉल्श। टेरी वॉल्श मतलब इंडियन हॉकी टीम के ये पहले कोच थे, और अपने पिछले साल जो ये एशियन गेम्स के अंदर इंडियन हॉकी टीम ने क्या किया, पाकिस्तान को हरा के हम चैंपियन बन गए। इसका फायदा ये है कि जब रायो ओलंपिक्स होंगे तो ये अपनी इंडियन हॉकी टीम डायरेक्टली कम्पीट कर पाएगी। फिर ये पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया इन सबको क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाइंग प्रीलिम्स देना पड़ेगा, फिर वो मेंस एग्जाम में जा पाएंगे। एनीवेज, तो फिर रिपोर्टर्स ने ये एशियन कप की जीत के बाद इनको सवाल पूछा टेरी वॉल्श को कि क्या आपको लगता है कि भारत की टीम वहां पे ओलंपिक्स में गोल्ड ले पाएगी, क्या वो मेजर ध्यानचंद वाला गोल्ड पीरियड जो था अपना क्या वो वापस आएगा। टेरी वॉल्श ने जवाब ये दिया कि ये जो इंडियन हॉकी प्लेयर्स हैं दे कैरी सो मेनी बैड हैबिट्स फ्रॉम द जूनियर प्रोग्राम, इट इज टफ टू विन अगेंस्ट द टॉप इंटरनेशनल टीम। कि ये सारे प्लेयर्स भी जैसे क्रिकेट में होता है रणजी टीम से लेके आप नेशनल टीम में पहुंचे, ये भी अपने स्टेट लेवल पे खेलते थे फिर ऊपर आए, लेकिन स्टेट लेवल की जो उनकी खराब आदतें थी वो अभी वो सुधरे नहीं तब तक हम इंटरनेशनल पे जीत जाए मुश्किल है। आप लोग भी स्पीपा का एंट्रेंस क्लियर करके आए हैं राइट, तो जी अपने जो गुजरात के 10,000 जितने टॉप हैवी प्लेयर थे उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट माल मतलब यहाँ पे ये जो 100 जने बैठे हैं। लेकिन हम अपने ही सक्सेस रेट की बात करें, आपसे पहले वाला जो बेस था 100 लोगों का, आई थिंक हार्डली 12 से 15 लोग ही प्रीलिम उसमें से क्लियर कर पाए, फिर उसकी पुरानी सारी बैचों का एडिशन करेंगे तो फिर बड़ा नंबर आपको दिखेगा 100 के ऊपर। तो पहला तो ये जो बात है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं स्पीपा एंट्रेंस क्लियर करने के लिए जितनी तैयारी करके आया था, जो मेरा स्ट्रेटेजी था बस उतनी ही मैं तैयारी कर लूं तो मैं यूपीएससी भी क्लियर कर जाऊंगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। और इस गलत फहमी में एक बंदा अपनी जवानी भी बर्बाद कर चुका है जो आज आपके सामने खड़ा है। तो इस कारण से जो बात मुझे करनी है कि जरा एक सिस्टमेटिक तरीके से हम जीएस की प्रिपरेशन कैसे करें, हाउ टू किक स्टार्ट द जीएस प्रिपरेशन, ये द हिंदू न्यूज़पेपर और उसको कैसे यूटिलाइज करें अपने प्रिपरेशन में, उसके नोट्स कैसे बनाए, कुछ टाइम मैनेजमेंट और करियर बैकअप के बारे में बात करेंगे। कैलेंडर आपके सामने है और अगस्त 23 ये अपनी है कतर की सुबह। कतर की सुबह हार्डली 215 या 210 के आसपास दिन बचे हैं, वैसे तो नंबर काफी बड़ा लगता है लेकिन कहां समय खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। अगस्त तो आप यही समझ लीजिए कि इससे तो पहले मुझे अपना एक बार जनरल स्टडीज का कोर्स सिलेबस खत्म कर लेना है, एप्टीट्यूड का भी खत्म करना है, और आईटीएली आपका जो ऑप्शनल सिलेबस है मोस्ट ऑफ देम आपका होगा गुजराती लिटरेचर, वो भी आइडियल होगा कि पहले ही खत्म हो जाए ताकि जो बाकी के 3 महीने बचेंगे विद इन प्रीलिम्स और मेंस तो वापस रिवीजन हो जाए, थोड़ा नोट्स अपडेट कर लें और काम बन गया। तो आज जो बात करनी है इस पूरे फ्रेमवर्क के अंदर टाइमलाइन के अंदर हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे। अब देखिए आपके अंदर जो एक हाथ के अंदर 5 उंगलियां एक समान नहीं होती, आप में से भी कुछ प्लेयर्स ऐसे होंगे जो अभी अभी शुरुआत करी है, कुछ ऐसे होंगे जो पहले भी एक दो बार प्रीलिम या तो क्लियर भी कर चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 1-2 मार्क से ही रह गए हैं। तो हर एक ने अपने हिसाब से फिर उसकी तैयारी करनी चाहिए। जो मैं यहां बताऊंगा मैं ये समझ के चलूंगा कि जो बेस लेवल पे है और आगे बढ़ना चाहता है, अगर आपने पहले ही अच्छा खासा प्रिपेयर कर लिया है तो आप क्या करेंगे, मुख्य परीक्षा के थोड़े और टॉपिक्स कवर कर लीजिए, मॉक टेस्ट पे और ध्यान दीजिए, अपना ऑप्शनल पे नोट्स उसे और इम्प्रूव करिए, अपनी जो भी बैकअप एग्जाम में आप स्टाफ सिलेक्शन वगैरह दे रहे हैं उसका थोड़ा है ना, तो अपने हिसाब से ये करते रहिएगा। आप अगर टीवी देखते हो तो 3 फिल्में खास चलती हैं, इंदिरा द टाइगर, सूर्यवंशम, और थर्ड होती है स्नेक इन द ईगल शैडो। ये इसकी पूरी स्टोरी का मतलब ये है कि पहले जैकी चैन कुछ स्नेक स्टाइल से कुंफू करता है लेकिन फिर विलन उसकी बुरी तरह से पिटाई कर देता है, तो फिर वो कैट स्टाइल कुछ देखता है और स्नेक और कैट को कंबाइन करके फिर वो विलन की ईगल स्टाइल को हरा देता है। यूपीएससी भी कुछ ऐसा ही है, कुछ लोग टाइगर स्टाइल करते हैं, कुछ मेंटिस। आपने अपने अनुकूलता से ये करना है। मैं आपको यहाँ पे कुछ बताऊंगा कि ये वाले बुक से इतना चैप्टर पढ़ लो, आपको कुछ टॉपर ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि मैंने ये बुक कभी देखा भी नहीं है ना, तो ये डिपेंड करता है हर एक को अपनी प्रिपरेशन लेवल और कन्वीनियंस के हिसाब से इसमें से अच्छे पॉइंट्स ले लेने हैं। जनरल स्टडीज का जो कोर्स सिलेबस खत्म करना है, कुल मिला के 8 पिलर्स हैं इसके जिसमें से हमने केवल 7 पे फोकस करना है। एक तो है पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, बायोडायवर्सिटी, साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, और 8वां पिलर में उसको बोलते हैं पर्सन इन न्यूज, और ये बुक कैन है, ऑथर एंड अवार्ड, स्पोर्ट्स, ये सब।
ये माल कोई खास यूपीएससी में जब से सीसेट आया कुछ दिखने को मिला नहीं। पिछले साल 2-3 सवाल निकल गए थे, अदरवाइज ये एक टेड एंड टॉपिक है, इसमें ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं। हमने केवल फोकस करना है इन 7 पिलर्स पे। पिछले साल का अगर एनालिसिस देखें, सबसे ज्यादा सवाल निकले ये एनवायरमेंट वाले 30 से ज्यादा, फिर हिस्ट्री कल्चर में से 20, ज्योग्राफी एग्रीकल्चर उनमें से 19, इकोनॉमी पॉलिटी पैरेलल चलता है 10-11, और पिछले वाले सालों में भी 12-15 के आसपास ये रहता है। साइंस में से 5, और इंटरनेशनल रिलेशन और डिफेंस का थोड़ा पर्सन इन न्यूज और ये वाली मिसाइल के क्या फीचर है वगैरह, 4 सवाल ऐसे निकले। कुल मिला के ये 100 थे। अगर हम कॉलेज की परीक्षा की तैयारी करते तो क्या फोकस रहता कि हाँ वो एनवायरमेंट से इतना कर लिया, यहाँ से कर लिया, और अपना यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो ये लगना चाहिए कि मुझे सारा फोकस एनवायरमेंट पे देना चाहिए। लेकिन अब आप एक्चुअल अगर आंसर की बनाने निकले तो पता चलेगा कि ये 30 सवाल जो निकले तो ऐसा नहीं था कि सिलेक्टेड 2-3 बुक का रट्टा मार लिया, हिंदू एक साल तक फॉलो कर लिया और सॉल्व हो जाएगा। नहीं, इतने सारे रैंडम और स्कैटर सोच से ये निकल रहा था कि जब आप तैयारी करने बैठे उन सभी से तो इतना बड़ा हो जाएगा कि बाकी का सिलेबस कभी खत्म हो नहीं सकता। एग्रीकल्चर के अंदर भी यही माहौल रहा था, इस कारण से मैक्सिमम यहां से निकला तो मैं वो प्रिपेयर करूं नहीं। हमने क्या करना है, सबसे पहले पॉलिटी और इकोनॉमी इन दोनों को खत्म कर लेना है। इसको खत्म पहले इसलिए करना है, आप समझिए, हिस्ट्री आज आपने पूरा कर लिया या फिर प्रीलिम के एक महीने पहले, वो खास बदल नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने जितना भी समय ज्यादा लगा पॉलिटी एंड इकोनॉमी को फिनिश करने में, हिंदू से जो अच्छे नोट बनाने हैं वो प्रोसेस उतना पीछे हो जाएगा। ये तो सबको ही पता होगा कि द हिंदू पढ़ना है। प्रीलिम के लिए अगर आप ना भी पढ़े तो, क्योंकि ज्यादा करंट अफेयर्स का फोकस नहीं होता, आप क्लियर कर जाएंगे। लेकिन मुख्य परीक्षा और उसका भी, खास करके जनरल स्टडीज पेपर 2 एंड पेपर 3, इसका अप टू 40-50% तो यहीं से निकलता है। अब हिंदू पढ़ना है तो क्या उस पर फोकस करना पड़ेगा, नंबर 1 नेशनल वाला, जो उसके अंदर ज्यादा बातें रहती है पॉलिटी और डेवलपमेंट वगैरह की। 2 इकोनॉमी करना पड़ता है, साइंस टेक हाँ, इंटरनेशनल हाँ, यहाँ पे साउथ इंडिया का पूरा माल इग्नोर करिए, स्पोर्ट्स एंड पर्सन इन न्यूज वो पूछते नहीं है तो इग्नोर करिए। और अगर दूसरी परीक्षाओं के लिए भी करना है तो वो जो प्रतियोगिता दर्पण वहां से थोड़ा नोट्स बना लीजिए, देन इट इज सफिशिएंट। तो मतलब कि जो करना है पॉलिटी और इकोनॉमी, ये पहले अगर आपका थियरी अच्छे से हो जाएगा तो आपके नोट्स उतने बढ़िया बनेंगे। हम अपने पिछले लेक्चर को रिकैप करें, पिछले लेक्चर में हमने क्या बात करी थी कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर ली, ठीक। अब ये वाला मैटर जब नोट बनाने जाएंगे लोग तो क्या होगा, जो नया खिलाड़ी है वो क्या करेगा, वो फोकस करेगा कि 15 जनवरी को ये अपडेट आया था, उसके बाद उस वाली बैंक के उस सीएमडी ने उसका स्वागत किया था, उस वाली बैंक ने अपने बेस रेट के अंदर इतना कटौती कर ली, एक्स वाई जेड एक्सपर्ट का ये बोलना है, जीडीपी से को इतना बढ़ावा मिलेगा, ये वो करके पूरा एक पन्ना भर के वो लिख देगा। यही बात जब सीजन प्लेयर ने लिखनी है वो क्या करेगा, रेपो रेट 8% था, घटा के 7.75 कर दिया, मैक्सिमम वो लिख देगा जनवरी 15, बस बात खत्म। उससे आगे उसने अपना बड़ा नोट करने की जरूरत नहीं। ऐसा क्यों? फर्स्ट कि उसे पता है ये पर्सन इन न्यूज एंड डेट्स नेम्स एंड नंबर, इस टाइप का सवाल तो आता नहीं, तो ये 15 तारीख को निकला था 16 इररेलेवेंट निकाल दिया। पर्सन इन न्यूज नहीं पूछते, मतलब कि कौन सी बैंक का कौन सी एमडी है ये पूछने वाले नहीं, तो ये पूरा माल लगाने की जरूरत नहीं। जीडीपी को बढ़ोतरी मिल जाएगी, हाँ वो तो हमने थियरी में पढ़ ही लिया था कि रेपो रेट जैसे कम होता है नीचे बैंक के रेट, अपने लोन रेट इंटरेस्ट रेट कम होंगे, लोग ज्यादा लोन खरीदेंगे, लोन लेंगे और पूरा जीडीपी बूस्ट दिखेगा। ये ऐसी बात है कि आपको पता है 15 अगस्त को हमें आजादी मिली, तो फिर इसका नोट में लिखने की कोई जरूरत है नहीं, है ना। जितनी आपकी थियरी पावरफुल होगी उतनी आपकी नोट ज्यादा कंडेंस होगी, इसीलिए पॉलिटी और इकोनॉमी का सिलेबस सबसे पहले खत्म करना जरूरी है। ये लोग जब नहीं करते तो क्या होगा, पहले 15-20 दिन तो एंथुजियाज्म में वो यही काम करेंगे, फिर फरियाद करते कि यार ये तो एक पूरा एक दिन का 5 घंटे तो केवल हिंदू की नोट बनाने में ही लग जाते हैं। वो इस कारण से, यहाँ पे भी आप अपने सीनियर कुछ मित्रों को देखिए, पूरे हिंदू की वो एक दिन की नोट बनाएंगे हार्डली हाफ पेज, और ऐसा भी नहीं कि काम चोरी किए, उसके अंदर पूरा मटेरियल वो कवर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बैकग्राउंड थियरी उनकी काफी सॉलिड है। अब ये पॉलिटी और इकोनॉमी, मैं यहाँ पे इकोनॉमी पढ़ाता हूँ, फिर भी मैं आपको आग्रह करूंगा कि सबसे पहले पॉलिटी आप खत्म कर लो। खत्म इसलिए कर लो कि कॉस्ट बेनिफिट बहुत बढ़िया है। ये अपनी पॉलिटी के अंदर ही लक्ष्मीकांत की बात करें, पिछले साल 11 सवाल निकले थे, उसमें से 9 यहाँ से आपको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इतनी बुक का रट्टा मार लिया और आपके 9 सवाल हो गए। इकोनॉमी में भी 9 सवाल टिक तो कर सकते हैं, लेकिन वो जरा ज्यादा मेहनत मांगता है। ये सबसे पहले क्लियर कर ले ताकि आपके जो मॉक टेस्ट वगैरह हो रहे हैं उसमें आपका इसकी मदद से थोड़ा स्कोर ढंग का दिख पाए, वरना फिर ये होता है कि
मॉक टेस्ट में स्कोर पहले दो तीन टेस्ट में कम आ गया, फिर आदमी वो मैं अब टेस्ट दूंगा ही नहीं संन्यास ले लेता है, और फिर उसके कारण उसी का नुकसान होता है। देयरफॉर पॉलिटी की जहां तक बात करें, कौन सा बुक रिफर करें, आप सबको पता ही होगा डीडी बासु सुभाष कश्यप एमई पाली, इसमें टाइम वेस्ट मत करो, अपना एक ही भगवान है एम लक्ष्मीकांत। और अगर आप गुजराती या हिंदी माध्यम में परीक्षा देना चाहते हैं तो इसी किताब का हिंदी वर्जन भी है, भारत की राज्य व्यवस्था लक्ष्मीकांत, यही देख लीजिए। और गुजराती में क्या, हिंदी में जो टर्मिनोलॉजी रहेगी वही यहाँ पे रहेगी, फेडरलिज्म का ये मतलब होता है सॉवरेनिटी, ये काम अपना हो गया। अब ये तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर एक आदमी जो पॉलिटी करता है उसको मालूम है लक्ष्मीकांत पढ़नी है, लेकिन जरा तरीके से उसे पढ़ना है। लक्ष्मीकांत ने अपनी किताब का जो फॉर्मेट बनाया है, शुरुआत के चैप्टर्स में वो बात करता है हिस्ट्री की, क्या अंग्रेजों के जमाने में ये 1909 में ये वाला था, 1990 में ये कुछ हुआ, फिर एवोल्यूशन की बात की, हमने अमेरिका से ये पॉइंट्स लिए, कनाडा से ये पॉइंट्स लिए, ठीक है, वो पहला उसका पोर्शन। सेकंड की ये अपना प्रीएम्बल है, फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये मैटर चलेगा कुछ चैप्टर्स में। फिर यूनियन, तो उसमें प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, ये वाला मैटर। फिर स्टेट्स का पोर्शन है, पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज और अन्य कुछ बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी वगैरह। चैप्टर 1, 2, 3, 4 ऐसा करके नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आप इसे फोकस करिए यूनियन और स्टेट्स वाले चैप्टर। यहाँ पे क्या करेंगे, पैरेलल स्टडी, जैसे प्रेसिडेंट और वीपी खत्म करिए तो आप गवर्नर पढ़ लीजिए, पीएम खत्म किया सीएम कर लीजिए, पार्लियामेंट तो फिर विधानसभा और विधान परिषद, उस प्रकार से सारे आपने करने हैं। फायदा ये होगा यूपीएससी वाले एमसीक्यू में क्या करें, दो तीन स्टेटमेंट देंगे और प्रेसिडेंट के पावर के अंदर गवर्नमेंट गवर्नर का पावर लगा देंगे, और फिर आपको पता करना है कि उसमें से सही कौन है गलत कौन है, तो वहां पे आपको कंफ्यूज ना कर पाए उसके लिए क्या करना चाहिए, पैरेलल स्टडी। ये वाला मैटर खत्म हो जाए फिर यहां तो आपको जो भी अच्छा लगे वहां से आप पढ़ाई शुरू कर लीजिए, रेड वाले पोर्शन में जो है फंडामेंटल राइट्स वगैरह। यहाँ पे एक खास कहीं पे टेबल बना के करिएगा कि एलियन को इनमें से कौन से फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, कौन से नहीं मिले। एलियन मतलब परग्रहवासी नहीं, जो भारत का नागरिक नहीं है, और ऐसे एलियन दो टाइप के रहते हैं, फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस। तो फिर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कई बार बन जाते कि इनको ये फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है कि नहीं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि नहीं, कैन दे रिसाइड एंड सेटल इन ऑल एरियाज ऑफ इंडिया, है ना। तो वो इसी की किताब में बाजू में मार्जिन में आप कहीं पे वो नोट करके रखिएगा। फिर जो पोर्शन चलते हैं, अमेंडमेंट करना हो कॉन्स्टिट्यूशन का तो क्या फीचर है, जम्मू कश्मीर को क्या स्पेशल प्रोविजन दिए, फिर ट्राइबल वेलफेयर के लिए 5th and 6th शेड्यूल एरिया में क्या प्रोविजन है, लोकल गवर्नेंस की ये जो बॉडी वगैरह, और फिर अन्य कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, मतलब कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन निकाले उसके पन्ने घुमाएं तो कहीं पे उसका नाम दिख जाएगा, CAG है, इलेक्शन कमीशन है, अपना UPSC है, दीज आर ऑल कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कुछ ऐसी बॉडी है कि वो यहाँ पे तो नाम नहीं दिखेगा लेकिन किसी कानून के अंतर्गत उन्हें बनाया गया है, SEBI है, IRDA वगैरह, और कुछ ऐसी है जो यहाँ पे भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है और स्टैट्यूटरी भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये नंदन नीलेकानी वाली यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाली UIDAI, दैट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो इन सभी के स्ट्रक्चर फंक्शन क्या है, उनका मतलब सिलेक्शन पैनल में कौन रहता है, ये लोकपाल वगैरह जो अब चल रहा है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वगैरह, आप फॉलो करिए। पर्सन इन न्यूज में यहाँ पे पूरा ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, फॉर एग्जाम्पल कि ये नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन और ये चिल्ड्रन वगैरह में ये चेयरमैन है, ऐसे सवाल निकल नहीं रहे। आप दूसरी परीक्षाओं की तैयारी करें, नॉन UPSC तो वो करिए, यहाँ पे ज्यादा फोकस मत करें। एट द सेम टाइम फिर आपने इतना ऑब्लिवियस भी नहीं बन जाना है कि आपको ये भी ना पता हो कि इलेक्शन कमिश्नर अपना कौन है या CAG कौन है, क्योंकि फिर इंटरव्यू के वक्त वो डायनामिक कन्वर्सेशन में फिर आप उस वक्त याद करने जाएंगे तो जवाब में जो ब्रेक हो जाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से काम खत्म हो जाए फिर उसके अपेंडिक्स में आप जाइए। कई लोग लक्ष्मीकांत तो पढ़ते हैं लेकिन उसके अपेंडिक्स को वो देखते नहीं है। अपेंडिक्स में बहुत जरूरी एक चीज है, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ सब्जेक्ट जहाँ पे केवल यूनियन लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट में, कि उनपे वही लोग लेजिस्लेट कर पाएंगे। कई बार इन्होंने ट्रिकी क्वेश्चन बनाए कि इनमें से कौन से पे ये कर पाएगा, ये कर पाएगा, वो आप पूरा कंपैरिजन याद रखिए, खास करके टैक्सेशन वाला, कि यूनियन वाले ये टैक्स ले पाएंगे और स्टेट वाले ये कर पाएंगे। फिर एक आता है टेबल ऑफ प्रिसेडेंस, ये हर साल नहीं पूछते, कुछ कुछ साल पे देखा गया है। टेबल ऑफ प्रिसेडेंस को अगर क्रूड शब्दों में एक्सप्लेन करना हो तो कि कौन किसे सलाम मारेगा, वो अपना टेबल ऑफ प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट नीचे ये वो ये करके, वो आप एक बार देख लीजिए, पहले जो टॉप 10 है वहां पे जरा याद रखने की जरूरत है। अमेंडमेंट 1 से लेके अब तक जितने भी बनाए गए सभी याद नहीं करने, सिलेक्टेड कि फर्स्ट में क्या हुआ था, 44th में, 46th में, फिर ये अपना 86 वाला मेरे ख्याल से राइट टू एजुकेशन उस प्रकार के, फिर ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बना उसके लिए कौन सा नंबर था, फिर ये अपना GST लाएंगे उसका कौन सा नंबर है, थोड़ा देख लीजिएगा।
और यहाँ पे क्या होगा, ये तो फोर्थ एडिशन के बाद नया माल अपडेट नहीं हुआ है ना, जुडिशियल अपना अपॉइंटमेंट कमीशन या जीएसटी, तो खुद ही आप नीचे नोट में वो लिख दीजिए उसके पन्नों में। इसने अपेंडिक्स में आर्टिकल लिस्ट भी दिया है, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 अप टू 300 प्लस जो भी है, सारे नहीं सिलेक्टेड, फॉर एग्जाम्पल ये प्रेसिडेंट के कौन से पावर है, प्राइम मिनिस्टर वगैरह। ये पूरा मैटर जब खत्म हो जाए उसके बाद अपना बचेगा हिस्ट्री और एवोल्यूशन। ये अभी नहीं करना है, जब आप हिस्ट्री का इंडियन हिस्ट्री फ्रीडम स्ट्रगल की तैयारी शुरू करें उसके साथ इंटीग्रेट करके इसे प्रिपेयर करना है, ताकि वहां भी काम आ जाए यहाँ पे भी। हम आगे की स्लाइड में ये बात करेंगे। अब ये जो पॉलिटी की बुक एक दो बार पढ़ के लोग अपने आप को बादशाह समझ लेते हैं, और फिर ये होता है कि जब सवाल आए तो गलतियां बहुत हो जाती है। सीसेट 2014 में ही, इनमें से कौन सी कमेटी पार्लियामेंट की है जिसमें सबसे बड़ी है, हाँ में जब जहां पे सबसे ज्यादा मेंबर है, पब्लिक अकाउंट एस्टीमेट अंडरटेकिंग और पिटीशन, इसका जवाब है एस्टीमेट। उसी प्रकार कई बार ये तो फैक्चुअल सवाल हो गया, ज्यादा सवाल कैसे करते हैं, यूपीएससी वाले आपको दो तीन स्टेटमेंट दे देंगे, प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर समथिंग, फिर ये ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड यहाँ पे। अब आप फोकस करिए, यहाँ पे लिखा है शैल, ये शेयर को मैं अगर बदल के लिख दूं शुड विल वुड शेयर शुड मे माइट मस्ट, हर एक से ये वाक्य गलत हो जाएगा। तो आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि शेयर कहाँ पे लगता है, शुड कहाँ पे। शेयर का मतलब कि प्रेसिडेंट ही वो करेंगे, उन्हें ही ये करना है। शुड का मतलब कि उनकी मूड आ गया तो करेंगे, मे मतलब मूड आ गया तो करेंगे, तो ये स्पेसिफिक याद रखना है, वरना फिर गलतियां हो जाती है, बहुत मामूली गलतियां होती है और अपने नेगेटिव में मार्क चले जाते हैं। ये जो मैंने आपको सवाल दिखा ये है अपना टू स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स, मैं इसको टू टी एफ बोलता हूँ, दो स्टेटमेंट है आपको सही गलत पकड़ना है। अब तो बड़ा के थ्री स्टेटमेंट हो गए हैं, फोर स्टेटमेंट देखते हैं, इवन फाइव स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स, खासकर ये साइंस वाले पोर्शन में आपको चार पांच विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक फोर्स, ऐसा करके ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फोर्स करके पांच आपको दिए और फिर आपने सही गलत पकड़ना है। देयरफॉर लक्ष्मीकांत बाय हार्ट याद होनी चाहिए। उसी प्रकार जितनी भी बॉडी है तो उनके अपॉइंटमेंट कमेटी में कौन है, यहाँ पे क्या लोकसभा के स्पीकर रहते हैं नहीं है, डिटेल में आप कर लीजिए। मैच द फॉलोइंग निकलते हैं कई बार की, एक बाजू साल दिया उस पर कौन सा अमेंडमेंट हुआ, यहाँ पे आर्टिकल है उसके क्या प्रोविजन है, पर्सनली न्यूज पे फोकस करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे आके क्या अपना पॉलिटी खत्म हो गया, जवाब है ना, आगे भी कुछ करना पड़ता है। थियरी में सीडीएस 2014 का पेपर हम देखें, उसमें ये पूछा गया पॉलिटिकल थियरी का मतलब क्या है, ऐसा करके तीन स्टेटमेंट दिए थे और फिर आपने पकड़ना था सच्चा झूठा क्या है। इसका सही जवाब है एनसीईआरटी क्लास 11 की पॉलिटी बुक, और उसके पेज नंबर 6 पे ये पूरा पैराग्राफ में वर्बेटिम स्टेटमेंट यही दिए गए थे, यूपीएससी ने क्या किया वहां से निकाला, तोड़ के तीन रख दिए और आपने पकड़ना है सच्चे झूठे कौन से। मतलब कि लक्ष्मीकांत से अपनी स्टोरी खत्म नहीं होता, उसके आगे भी कुछ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, इनके टेक्स्ट बुक आपने पढ़ लेने हैं, साइड पे भी रखे हैं और यहाँ पे जो डीवीडी दिया उसमें भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी पिक्चर खत्म नहीं हुआ, जब इंडिया ईयरबुक आ जाए अपनी 2015 तो उसका चैप्टर 3 देखना है मेरे ख्याल से, द पॉलिटी, फिर 20 है मेरे ख्याल से लॉ ऐसा करके, और 28 वेलफेयर और राइट्स इश्यू की उसमें बातें चलती हैं। ये चैप्टर भी आपने थियरी समझ के इनको खत्म करना है, ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाए, वो हिस्ट्री एवोल्यूशन खत्म हो जाए, फिर आप लक्ष्मीकांत के अंत भाग में जो उसने एमसीक्यू दिए हैं एक एक करके आप सॉल्व करना शुरू करिए। जनरल स्टडीज मैनुअल के अंदर भी आपको काफी सारे सवाल मिल जाएंगे, वो कर लीजिए। पुराने पेपर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लक्ष्मीकांत ने पुराने पेपर के ही बना के दिए हैं, एडमैक्स 2013 या 14 की जरूरत पड़े तो मेरी साइट पे मैं आंसर की बना के रखी है, देख लीजिएगा। ये सब करने के बाद अगर समय कुछ मिल जाए और आपको लगे कि थियरी और करनी है तो फिर ये पार्लियामेंट हैंडबुक ऐसा करके एक पीडीएफ फाइल साइट पे भी रखा है और पार्लियामेंट की लोकसभा की साइट से भी मिल जाएगा। इसमें सारी बात है कि फॉर एग्जाम्पल ये स्पीकर तो इसकी पोस्ट का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसमें कौन कौन से नए पावर दिए गए हैं, लोकसभा का ये नंबर का रूल उसमें अंतर्गत ये सारे प्रोविजंस हैं, इस प्रकार के सवाल कुछ बार निकल जाते हैं। लेकिन ये कब बाकी सब खत्म हो जाए और आपके पास समय है तभी कॉस्ट बेनिफिट धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर आप समझिए किसी व्यक्ति ने इस बार की कैट एग्जाम में अगर 55% लाया है, अगर उसे मेहनत करके 95 तक पहुंचना हो तो वो कर सकता है, ढंग की थोड़ी तैयारी कर ले। लेकिन जो बंदा 95 पे अटका है, अगर वो चाहे कि मुझे 99 पे जाना है तो बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे ही यहाँ तक जब तक कि 9 सवाल हैं तो ये हाँ एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत का रट्टा मालिया 11 से 9 हो जाएंगे, लेकिन बाकी का नंबर 10 और नंबर 11 सॉल्व करना पड़ेगा, तो इस प्रकार से काफी सारा ज्यादा पढ़ना पड़ता है अपने हिसाब से। वो जैकी चैन को याद करके आप देखिए ये काम कब तक खत्म हो जाना चाहिए, एक डेडलाइन दिमाग में होनी चाहिए। फेब्रुआरी के एंड तक ये काम खत्म हो जाए तो बेस्ट रहेगा। कारण है
कि 26 को रेल बजट आएगा, फिर 27 को इकोनॉमिक सर्वे और 28 को जनरल बजट आने वाला है। उसके बाद ये होगा कि अपना मार्च का समझ लिया आधा मार्च तो वो इकोनॉमिक सर्वे में ही निकल जाएगा, क्योंकि वही सारे फैक्टर्स वही टॉपिक आपको मुख्य परीक्षा में परेशान करने वाले, तो वो डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो फिर दूसरे पर इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे आप। आइडियल है जल्द से जल्द अपना स्टैटिक पॉलिटी ये खत्म हो जाए। करंट की बात करें, करंट में क्या देखना चाहिए, एक तो जो भी नए बिल्स आ रहे हैं एक्ट्स एंड ऑर्डिनेंसेस, राइट्स इश्यू एक नया टॉपिक ऊपर क्या है, राइट्स इश्यू मतलब वीमेन राइट्स, चिल्ड्रन राइट्स, माइनॉरिटीज, SC ST, तो इनके अनुसंधान में एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, नई कौन सी बॉडी बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट्स क्या हैं, आप और सरकार अपनी तरफ से कौन सी स्कीम सब्सिडी पॉलिसी वगैरह चला रही है, ये आपने कर लेना है। इलेक्शन के अंदर भी पिछले साल ये काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन भी चल रहे थे, इस साल भी इलेक्शन रिलेटेड प्रोविजन तो करने है क्योंकि जनरल स्टडीज पेपर 2 के अंदर आपको मिलेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, तो जो भी नया डेवलपमेंट आ रहा है कुछ इलेक्शन कमीशन ये वो नोटिफाई करता है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है, आप नोट करते रहिए। ये सब माल आपको कहां से मिलेगा करंट वाला, हिंदू का नेशनल मतलब फ्रंट पेज और बीच के अंदर जो कॉलम्स चलते हैं वहां पे ये अपीयर होता रहता है, prsindia.org करके साइट है। ये क्या करते हैं सारे बिल्स एक्ट ऑर्डिनेंस की PDF फाइल बना के रख देते हैं, उसका एनालिसिस प्रोज एंड कॉन्स करके 2-3 पन्नों में आपको माल मिल जाएगा। मैं भी अपनी तरफ से अपने साइट के पॉलिटी सेक्शन में बना के कुछ रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अंत में लेटेस्ट में लैंड ऑर्डिनेंस के बारे में रखा था। पॉलिटी खत्म हो गया, फिर बात आती है इकोनॉमी की, इकोनॉमी में क्या करना है, 7 पिलर हमने पहले देख लिए, सेकंड पिलर से हम बात भी शुरू कर दी और उसके अंदर ये बैंकिंग सेक्टर और मॉनेटरी पॉलिसी की हमने बात आज खत्म करी, बाकी फिजर पॉलिसी वगैरह जब आएगा बजट इकोनॉमी सर्वे तो देखेंगे। इसमें कौन सी किताब वगैरह करना है पहले भी मैंने बोल लिया था लेकिन एक बार रिकैप कर लूं, इंडिया 2015 जब आ जाए उस किताब का चैप्टर नंबर 6, 7, 13, 19, 21 और 21 से 24 ये वाले देख लीजिएगा, यहाँ से थोड़ा थोड़ा मटेरियल अपने को मिल जाता है जहाँ से सवाल भी पहले निकल चुके हैं, और बीपान चंद्रा वाली है तो वहाँ मुख्य परीक्षा के लिए लैंड रिफॉर्म्स एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट्स वगैरह थोड़ा सिलेक्टेड पढ़ना है आपने। इकोनॉमी कब तक खत्म हो जाना चाहिए, देखिए फरवरी के एंड में आ जाएगा अपना बजट इकोनॉमी सर्वे राइट, और उसमें अंदर से जो आर्टिकल लेना है लेक्चर देना है वगैरह वो काम खत्म हो जाएगा बाय द एंड ऑफ मार्च। MCQ का अगर आप एनालिसिस करें तो जो भी सवाल निकलते हैं करंट टाइप के ज्यादातर वो बजट और इकोनॉमी सर्वे से रिलेटेड, और नरेंद्र मोदी ने भी जो भी नई स्कीम निकालनी थी पॉलिसी वगैरह अब तक उन्होंने कर दिया है, जो आगे करना होगा ये बजट सत्र के अंदर आ जाएगा, फिर यहाँ से लेके फिर आगे आप चले अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट होते ज्यादातर इसके सवाल मुझे देखने को नहीं मिले इन द रिसेंट ईयर्स प्रीलिम परीक्षा में, इसलिए अपने एंड डेट जो कहे मेजोरिटी ऑफ द इकोनॉमी वाला पोर्शन ये मार्च 31 तक अपने को खत्म कर देना है। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा और आप भी जो थियरी वाला पोर्शन करना है अपने आप कर लीजिएगा, फिर तो MCQ भी केवल सॉल्व करने वगैरह, और जो नए अपडेट्स आते हैं नोट्स बनाते रहिए, वो मुख्य परीक्षा में परेशान करेंगे, यहाँ पे ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। पॉलिटी खत्म, इकोनॉमी खत्म, हिस्ट्री